सो गाइस, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ उनका कमेंट था। तो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन वो है उससे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए आपको इंस्टाग्राम को जो है वो मेल करना होता है हेल्प में जाकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। अगर उस प्रोसेस से आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना नहीं पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, ऊपर यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे हेल्प वाला ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट के नीचे देख लीजिए, यहाँ क्लिक करना है। ऊपर यहाँ रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के ऑप्शन पर थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिख देना है प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम वगैरह, जो भी आप चाहते हैं लिखना लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना है। उसके बाद गैलरी वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट डालना है जिस वक्त वो प्रॉब्लम आ रहा था आपके सामने। तो आपको उस प्रॉब्लम का जाकर एक स्क्रीनशॉट, 1 से 2 स्क्रीनशॉट मार लेना है। मारने के बाद आपको यहाँ आकर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद गैलरी पर क्लिक करके यहाँ स्क्रीनशॉट को सेंड, मतलब ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सबमिट कर देना, फिर 24 घंटे के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटे के बाद जाकर देखना है आपका अपडेट अगर आया है तो अपडेट कर लेना।